कर दी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम यास्मीन एंड टुडे वीडियो इज रिगार्डिंग टू नाउंस। आज हम इस वीडियो में नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं नेमिंग वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज नाउन। नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं और नेमिंग वर्ड्स को नाउन भी कहते हैं। बोथ आर सिमिलर। तो फर्स्ट, व्हाट इज नाउन? आज हम इस वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन आखिर होता क्या है और इसके कितने प्रकार यानी काइंड्स कितने होते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। जैसे डेफिनेशंस है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी। नाउन किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम और क्वालिटी का, किसी भी क्वालिटी यानी गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएंगे कि नाउन होता क्या है। फर्स्ट एग्जांपल इज मोहन इज माय ब्रदर। मोहन इज माय ब्रदर, यहाँ पर जो मोहन है वो हमारा नाउन है। तो मोहन क्या नाउन इसलिए है क्योंकि मोहन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। मोहन जो है वो एक पर्सन का नाम है। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हेयर ऑनेस्टी रेफर्स टू द क्वालिटी। ऑनेस्टी जो है वो एक क्वालिटी है। ऑनेस्टी यानी वो किसी एक गुण है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पे बैठ रही है। चेयर इज द नेम ऑफ अ थिंग। चेयर जो है वो एक थिंग का, एक चीज का नाम है। ही लिव्स इन मेरठ, वह मेरठ में रहता है। मेरठ इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये देखा कि यहाँ पे जो ये मोहन, ऑनेस्टी, चेयर एंड मेरठ, ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी का नाम है। इसी इन सबको हम नाउन कहते हैं।